नमस्कार एग्जाम हैप्पी बाइज झारखंड चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेट्रिक परीक्षा की तैयारी को लेकर के उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक है एक पाठ है सीडीपी ठीक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तो यहां पर आपको तीस प्रश्न रहेंगे चाहे आप एक से पाँच का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं चाहे आप छः से आठ का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो सी में आप तीस में यदि बीस से में पच्चीस अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे पहला चीज दूसरा चीज आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा ठीक है विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा ठीक है यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं ठीक है तो आपको चाहे वो सी हो चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या विज्ञान या भाषा कोई भी चीज़ हो तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जैसे आर टिका वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स अब विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अब देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं तो यहाँ पर आपको, आपको तो आप ज्वाइन बना, बना तो करवा देंगे सिर्फ और सिर्फ देखिए सौ विद्यार्थियों के लिए ऑफर है पांच सौ में तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ पांच सौ रुपए में सारी क्लास सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो साथ में बात करने की सुविधा सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो पांच तो सौ रुपया फ्री में दिया जा रहा है तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी नोट्स हमारे भीड़े में थे आकलन में आपको हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं था तो आप सभी अभी के अभी हम यहां पर के जुड़ जाए आपको सीडीपी के अंतर्गत क्लास को लेकर के आए हुए ठीक है क्लास थ्री मेरा होगा सी के अगर इसके पहले आपने क्लास वन और क्लास टू नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि सी का यहाँ सिर्फ वैसे ही प्रश्नों को हम सिर्फ आपको क्लास दे रहे हैं जो अभी तक विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं और उसी टॉपिक को सिर्फ लेकर के आए हुए हैं तो प्रश्न की संख्या देखिए यहाँ पर होगी बहुत ही कम लेकिन प्रश्न भिड़ने की गारंटी होगी बहुत ही ज्यादा ठीक है तो ये सारे वैसे प्रश्नों का केवल कलेक्शन आपको हैंड रिटर्न नोट्स की तरफ से किया गया है जो कि आपको अभी तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए हैं उन्हीं उन्हीं टॉपिक को भी लाया गया है और उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को कलेक्शन किया गया है तो आज के टॉपिक में यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे अधिगम विकार स देखेंगे अधिगम विकार लर्निंग डिस को देखेंगे जो कि यहां से ये दो प्रश्न आपका एग्जाम में आता है ठीक है क्या प्रश्न आता है दो प्रश्न आपका एग्जाम में अवश्य ही आता है तो यदि दो प्रश्न आपको एग्जाम में लेने हैं तो आप सभी इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अगर समझ में नहीं है तो आप कॉल कर लीजिएगा और हो सके तो आपको देखिए यहां पर हैंड रिटन नोट्स पूरे सब्जेक्ट का आपको दिया जा रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां पर आपको सारे प्रश्न आने वाले ही हैं इस तरह का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न केवल हैंड रिटन नोट्स की तरफ बनाए गया है तो आप सभी यहां से जुड़ करके भी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा कीमत बहुत ही कम है सिर्फ और सिर्फ यहां पर ₹500 में आप अभी जुड़ सकते हैं ठीक है तो जल्दी करें वीडियो मिलने के बाद आप तुरंत जुड़ जाएंगे मोबाइल नंबर दिया गया है ठीक है देखिए तो अधिगम विकार के अंतर्गत यहां पर जो आपको पढ़ना है वो देखिए आपको है एक डिस्लेक्सिया एक है डिस्ग्राफिया एक है डिस्कैलकुलिया एक है डिस्प्रेक्सिया और एक है डिस्थीमिया ठीक है इन सारे को पढ़ना है जिसमें अब तक के पूछे गए प्रश्न में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो है आपको देखिए डिसलेक्सिया और वो है आपको डिस्कैल्कुलिया और एक है आपको डिस्ग्राफिया जो अभी तक सबसे ज्यादा यानी एक सौ एक बार प्रश्न जिससे निकल के आए हुए हैं ठीक है ठीके? बाकी भी आते हैं कहीं कहीं एक दो प्रश्न आए हुए हैं इनको भी जानना है लेकिन तीन गो डिसक्सिया डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया ये तीन गो आप तो एकदम समझ के जाइएगा ठीक है तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे देखिए इस वीडियो में आपको अंतिम तक बने हुए रहना है क्योंकि आपको सारा चीज कुछ इसमें बताया गया है ठीक है तो देखिए लर्निंग डिसएबिलिटी के अंतर्गत अधिगम विकार में यहाँ पर देखिए एक है पढ़ने की अक्षमता पढ़ने की अक्षमता यानी डिसलेक्सिया और एलेक्सिया यानी एलेक्सिया देखिए किस्या किस्या एलेक्सिया वाला ये पढ़ने की अक्षमता पर होगा चाहे वो डिसलेक्सिया कह दे एलेक्सिया कह दे कैपेक्सिया कहते का जितना में किसिया लास्ट में लगा हुआ रहेगा वो समझिए पढ़ने की अक्षमता से जुड़ा हुआ है ठीक है अभी इसका और इम्पोर्टेंट हम नीचे देखेंगे अभी जो जो ज़रूरी है बस वो हमको बता रहे हैं बस आप लास्ट तक बने हुए रहिएगा उसके बाद आपको नहीं समझ में आए तो हमको कहिएगा ठीक है चलिए अगला है देखिए लिखने की अक्षमता लिखने की अक्षमता को हम लोग ग्राफिया याद रखिएगा अब अग्राफिया हो जाएगा डिस्ग्राफिया हो जाएगा किस ग्राफिया हो जाएगा तो ग्राफिया वाला समझिए ग्राफ वाला ग्राफ मतलब ग्राफिया वाला ठीक है तो ग्राफिया वाला क्या होता है लिखने की अक्षमता लिखने की क्षमता से यहाँ पर आधारित है ठीक है चलिए अगला देखिएगा गणितीय संबंधी विकार गणितीय ये कैलकुलिया वाला जो है ना कैलकुलस कैलकुलिया वाला कैलकुलेशन जो करते हैं हम लोग वो गणित से जुड़ा है कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन याद रखिएगा और वो गणित से जुड़ा है ठीक है चलिए अगला देखिएगा भाषा संबंधी विकार भाषा संबंधी जो विकार होता है ये आपका होता है अफेजिया याद रखिएगा अफेजिया या डिस्फेजिया तो फेजिया वाला जो होता है फेज वाला तार का फेज वाला वो मौखिक रूप से भाषा संबंधी विकार है ठीक है चलिए अब यहाँ पर एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं देखिए डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी कठिनाई से जुड़ा हुआ है डिस्क्राफिया जो है इसको याद कर लीजिएगा देखिए यहाँ पर हमने इसीलिए आपको बना दिया है डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधित कठिनाई से जुड़ा हुआ है डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन संबंधित कठिनाई से जुड़ा हुआ है अगला है यहाँ पर डिस्कैल्कुलिया ये कैलकुलेशन यानी गणित से जुड़ा हुआ विभाग है अगला है अफेजिया और डिस्फेजिया ये फेजिया वाला जया वाला ये भाषा संबंधित कठिनाई से जुड़ा हुआ प्रश्न है अब देखिएगा अलेक्सिया तो आपको हमने बोला एलेक्सिया ये वाला जहाँ भी मिले ये किससे जुड़ा जुड़ा हुआ है पठन संबंधित चाहे वो एलेक्सिया हो चाहे डिसलेक्सिया हो चाहे वो कुछ भी हो वो पठन संबंधी जुड़ा हुआ है अप्रेक्सिया में क्या होता है गामक कौशल चलने संबंधी कठिनाई से जुड़ा हुआ होता है यह डिस्थिमिया में क्या होता है इसमें बच्चों में, में हमेशा तनाव की स्थिति बनी हुई रहती है डिस्थिमिया में डिसमोर्फिया में क्या होता है मोरफिया मतलब भ्रम वाली स्थिति बच्चों में बनी हुई रहती है हमेशा भ्रम में बच्चा रहता है जीता है ठीक है चलिए अब देखिएगा डिस्लैक्सिया में देखिए यहाँ पर डिस्लैक्सिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्या बना हुआ है ये पठन संबंधित कठिनाई होता है ठीक है देखिए यहाँ पर लक्ष्य है क्या लिखा हुआ है लक्ष्य ठीक है लक्ष्य लिखा हुआ है तो लक्ष्य से लेक्सिया याद रखेगा लक्ष्य से क्या याद रखेगा लेक्सिया लक्ष्य से क्या याद रखेगा लेक्सिया याद रखेगा लक्स साबुन ले लीजिए ना लेक्सिया याद कर लीजिए तो लेक्सिया में जितना चाहे वो डिसलेक्सिया आ जाए चाहे अलेक्सिया आ जाए चाहे पलेक्सिया आ जाए कुछ आ जाए तो लक्ष्य लेक्सिया याद रखेगा लक्ष्य से लेक्सिया तो इसमें क्या होता है पठन संबंधी विकार होता है क्या होता है पठन संबंधी विकार ये क्या होता है तो बच्चा देखिए ये लक्ष्य लिखा हुआ है इसको पढ़ता है लुक्स इसको क्या पढ़ता है लुक्स बच्चा लक्ष्य को लक्ष्य नहीं क्या पढ़ता है लुक्स ये क्या हो गया पठन संबंधित विकार हो गया ठीक है तो बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है सा को वाज पढ़ रहा होता है राम को मरा पड़ रहा होता है तो ये पठन संबंधित विकार है ठीक है तो आप याद रखिएगा लक्ष्य था और बच्चा क्या पढ़ रहा था लुक्स पढ़ रहा था तो ये कौन सा विकार हो गया पठन संबंधित विकार हो गया और लक्ष्य क्या नाम चलेगा लेक्सिया चलेगा लक्ष्य से क्या चलेगा लेक्सिया लेक्सिया एकदम याद रखिये लक्ष्य लेक्सिया तो जैसे आपके परीक्षा में आ जाए क्या आ जाए कि यहाँ पर डिसलेक्सिया किससे जुड़ा, किस जुड़ा हुआ है इसे पूछता है डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है एलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है मोरलेक्सिया किससे जुड़ा देखिए लेक्सिया वाला जैसी आ जाए लास्ट में याद रखेगा तो लेक्सिया मतलब लक्स साबुन को दिमाग में रख लीजिएगा कि लक्स था और बच्चा लुक्स पढ़ रहा था यही था ना तो इसको आप डिसलेक्सिया में डालिएगा एलेक्सिया में डालिएगा ना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को चलिए अगला है देखिए डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित कठिनाई डिस्ग्राफिया में क्या होता है बच्चा लेखन संबंधित कठिनाई कर रहा होता है तो ये कैसा कठिनाई का स्तर होता है आप देखिएगा तो, तो यहाँ पर यहाँ पर जो आपका है देखिए डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधित कठिनाई है और उसी तरह से डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधित कठिनाई में क्या है तो देखिएगा यहाँ पर लेखन संबंधित कठिनाई में आपको आ जाता है लेखन संबंधी जैसे बच्चा ये बी को डी लिख रहा होता है पी को अगर कहिए तो क्यू लिख रहा होता है अगर एम को कहिए तो डब्ल्यू लिख रहा होता है तो ये लेखन संबंधित कठिनाई ये लिखने वाली कठिनाई कर, कर, आ रही है तो लिखने वाली कठिनाई डिस्ग्राफिया में जाएगा ठीक है लेखन संबंधित कठिनाई किस में जाएगा डिस्ग्राफिया में चला जाएगा देखिए यहाँ पर डिस्ग्राफिया का फिगर बना हुआ है ठीक है डिस कैलकुलिया डिस्कैलकुलिया में क्या होता है देखिए याद रखिएगा कैलकुलिया अदम याद रखिएगा ऐसी रहेगा लास्ट में कैलकुलिया कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन और कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन से कैलकुलिसिया बना हुआ कैलकुलिया बना हुआ है ठीक है याद रखिए किस तरह से याद कीजिएगा दिमाग में डिस कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन क्या याद रखिएगा कैलकुलेशन और कैलकुलेशन किससे होता है कैलकुलेटर कैलकुलिया जितना आएगा ना कैलकुलिया वो कैलकुलिया जो होता है वो गणितीय संबंधित भी कठिनाई होती है बच्चा क्या होता है अगर गुने आठ दिए हैं तो बच्चा यहाँ पर दस लिख रहा होता है अगर दो प्लस आठ दिए हैं तो बच्चा यहाँ पर सोलह लिख रहा होता है क्या कारण है तो इसमें बच्चा को चीन संबंधित कठिनाई आती है कैलकुलेशन करने में ठीक है चीन संबंधित कठिनाई कैलकुलेशन करने में आती है तो कैलकुलेशन करने में कठिनाई हुआ तो वो कौन सा बीमारी हो गया बच्चा का कैलकुलिया वाला बीमारी हो गया कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना है एकदम गांठ बांध लीजिएगा यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निकलेंगे निकलेंगे हमने आपको बहुत ही चाहे लगभग सभी सब्जेक्ट आप देखिएगा आपको इसी तरह से हमने ट्रिकी भी बहुत चीज़ बताए हैं और बहुत चीज़ को एकदम स्पष्ट बेसिक कंसेप्ट आपको हमने कर दिया है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा ना तो देखिए दो प्लस आठ बराबर बच्चा दस लिख रहा है दो गुने आठ दो गुने आठ बराबर बच्चा दस लिख रहा है दू गुने आठ बराबर बच्चा दो दुद, गुने आठ बराबर बच्चा यहाँ पर अगर सोल पंद्रह लिख रहा है तो आप देखिए ये इसका चिन्ह संबंधित कठिनाई है कौन सी कठिनाई है चिन्ह संबंधित कठिनाई है बच्चा चिन्ह को नहीं समझ पाता है गणितीय सोल्यूशन को ढंग से नहीं कर पाता है गणित का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है तो कैलकुलिया है तो कैलकुलिया वाला जितना भी आएगा डिस कैलकुलिया यहाँ पर कैलकुलिया एपिक कैलकुलिया तो कैलकुलिया जितना जुड़ेगा सबको मारिएगा आप गणितीय संबंधित कठिनाई में ठीक है किसे मारिएगा गणितीय संबंधित कठिनाई में मार लीजिएगा ठीक है देखिए डिस कैलकुलिया यहाँ हमने दे दिया ये कैलकुलिया किस से किससे बना है कैलकुलस से बना है तो कैलकुलस से कैलकुलिया याद रखिएगा कि कैलकुलस में क्या किया जाता है तो यहाँ पर गणितीय संबंधित कठिनाई को किया जाता है जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है अब बच्चा को इसी चिन्ह में प्रॉब्लम होता है कल तो कैलकुलेशन को गलत करता है तो कैलकुलेशन को गलत करेगा तो कैलकुलिया में आप चले जाइएगा ठीक है देखिए अफेजिया भाषा संबंधित कठिनाई अफेजिया मतलब होता है भाषा संबंधित कठिनाई बच्चा किसी भाषा को जो होता है बहुत अच्छा ढंग से नहीं सीख पाता है सभी भाषा को अच्छा ढंग से वह नहीं बोल पाता है तो ये जो है आपका यहाँ पर भाषा संबंधित कठिनाई में चला जा रहा है वो किसी भाषा को सही ढंग से नहीं लिख पाता है ठीक है तो भाषा संबंधित कठिनाई से जुड़ा हुआ है अफेजिया और डिस्फेजिया ठीक है अलेक्सिया आप ही बताएं अलेक्सिया लेक्सिया जितना आएगा वो लक्ष्य से जुड़ा हुआ है चाहे वो एलेक्सिया आ जाए चाहे डिसलेक्सिया लेक्सिया जितना आएगा लक्ष्य साबुन का याद रख लीजिएगा तो वो किस में चला जाएगा आपका तो पठन संबंधित विकार में चला जाएगा क्योंकि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है अप्रेक्सिया में गामक संबंधित कौशल होता है बच्चा को चलने फिरने में इस तरह शरीर की आकृति हो जाती है तो गामक कौशल में समस्या हो जाता है ठीक है अगला है डिस्थीमिया डिस्थीमिया में बच्चों में क्या होती है हमेशा देखिएगा कोई कोई बच्चा में तनाव वाला स्थिति बना हुआ रहता है तो ये डिस्थीमिया से जुड़ा हुआ बीमारी है बच्चों को तो डिस्टीमिया में तनाव वाली स्थिति रहती है ठीक है अब देखिए एक बार फिर से आपको यहाँ पर नोट्स हमने बना दिया है ऐसे तो हमने आपको क्लियर कर दिया था पढ़ने संबंधी अक्षमता जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है पढ़ने संबंधित अक्षमता को यहाँ पर त्रुटिया करते हुए देखा जाता है राम को मरा पड़ रहा होता है सा को वाज पढ़ रहा होता है तो आपको आपने बताया था एक लक्ष्य का साबुन का चित्र दिखाया था और बच्चा उसको लुक्स पढ़ रहा होता है तो पढ़ने संबंधित कठिनाई जो होगी वो लक्ष्य मतलब लैक्सिया से जुड़ा होगा वो डिसलैक्सिया भी हो सकता है लक्ष्य साबुन पर याद रखेगा लक्ष्य मैंने लैक्सिया और, और लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ रहा है इसलिए पढ़ने संबंधित कठिनाई हो रहा है बच्चा को तो ये यहाँ पर जो है आपका लक्ष्य को लुक्स पड़ता है पढ़ने संबंधित कठिनाई है और ये डिस्लैक्सिया एलेक्सिया प्लेक्सिया जितना आएगा लिक्सिया वाला सबको डालिएगा पढ़ने संबंधित कठिनाई में ठीक है चलिए अब देखिएगा यहाँ पर लिखने संबंधित अक्षमता बच्चा का राइटिंग प्रॉब्लम होता है यहाँ पर उसको हम लोग क्या कहते हैं लिखने संबंधित अक्षमता को यहाँ पर हम लोग डिस्ग्राफिया के अंतर्गत डाल रहे हैं तो वो यहाँ पर डिस्ग्राफिया ग्राफिया वाला देख लीजिए ग्राफिया और ये जितना भी आ जाए वो सबको आप डाल दीजिएगा इसमें अगर आप कहते हैं बॉय लिखने के लिए तो बच्चा डॉय लिख रहा होता है कहते हैं पैरोट लिखने के लिए तो बच्चा कैरोट लिख रहा होता है तो ये पी क्यू का अंतर बी और डी का अंतर एम और डब्ल्यू का अंतर बच्चा नहीं कर पाता है लिख नहीं पाता है सही ढंग से तो वो आपको ग्राफिया में चला गया है ठीक है अगला देखिएगा गणितीय संबंधित विकार तो गणित में क्या होता है याद रखिएगा कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन से बनता है देखिए कैलकुलिया और कैलकुलिया वाला जितना चीज आएगा सबको मारिएगा यहाँ पर गणितीय संबंधित विकार में ठीक है सबको गणितीय संबंधित विकार में मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को यहाँ पर दो भागों में बच्चा रूप से किसी चीज को बताया जाए तो नहीं सीख पाया जाता है वो अफेजिया वाला है क्या है अफेजिया वाला फेजिया वाला

जो वाला लेक्सिया वाला हमने बोला था लक्स और लक्स को बच्चा पढ़ रहा है लुक्स और ये लुक्स पढ़ रहा है यानी पठन संबंधित विकार है तो लेक्सिया वाला जितना आएगा सबको पठन संबंधित विकार में डाल दीजिएगा यही आप आंसर कीजिएगा तो इसका पठन विकार हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न देखिए एलेक्सिया है अभी डिस्लेक्सिया था अभी एलेक्सिया है मतलब एलेक्सिया एलेक्सिया वाला जितना चीज़ है लैक्सिया वाला सब लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और इसको बच्चा लुक्स पढ़ता है तो ये भी पठन विकार में जाएगा तो एलेक्सिया वाला याद रखिएगा एलेक्सिया हो डिसलेक्सिया हो लेक्सिया वाला जितना लक्ष्य वाला रहेगा वो सभी आपका जाएगा पठन विकार में ठीक है चलिए राम शाह को वाज पढ़ रहा है राम शाह को वाज पढ़ रहा है यह किस विकार से प्रभावित है ये दोनों प्रश्न आपके आए हुए हैं एम्पीटेट और सी जी टेट और साथ में यूपी टेट ये पूछा हुआ प्रश्न है ठीक है बाहर का प्रश्न नहीं है इसीलिए तो देखिए हम आपको यहाँ पर क्या बनाए हैं हैंड रिटेन नोट्स नहीं तो हम भी कहीं से छाप सकते थे आप लोगों के लिए इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कम पढ़ा करके बच्चों को अधिक से अधिक मार्क्स किस प्रकार से उठाया जाए ठीक है तो आप देखिए इसीलिए आपको यहाँ से सारा नोट्स और पी लेकर के एक बार पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें कम में आप ज्यादा प्रश्न का यहाँ पर सोल्यूशन कर पाइएगा और वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ कहीं भी कन्फ्यूजन रहे

ये सब लैक्सिया से जुड़ा हुआ चीज है ठीक है अगला देखिएगा एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है चलिए यह भी पठन संबंधित विकार आ गया और पढ़ने वाला जितना है वो साबुन से जुड़ा हुआ है तो वो लैक्सिया हो गया ठीक है क्या हो गया लेक्सिया हो गया चलिए अगला है एक बच्चा दो प्लस दो पाँच कर रहा है और दो गुने आठ पंद्रह का यह किस विकार से प्रभावित है ठीक है तो दो प्लस दो रहा का ये क्या आप कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये गणित संबंधित प्रश्न आ रहा है दो गुने आठ को पाँच लिख रहा है ये क्या है ये गणित संबंधित है तो जिसमें बच्चा गणित संबंधित समस्याएं कर रहा है जिसमें जोड़ घटाव का चिन्ह चीन संबंधित विकार उसमें प्रॉब्लम होने लगता है तो वो आप किससे कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन किससे करते हैं कैलकुलेटर्स करते हैं तो कैलकुलेशन वाली, वाली जितनी चीज़ आ जाए कैलकुलेशन वाली जितनी चीज़ आ जाए उसको कैलकुलिया से याद रखिएगा कैलकुलेशन वाली चीज़ को कैलकुलिया यानी डिश ये जो कहेगा कि डिश कैल्कुलिया कैलकुलिया तो कैलकुलिया जितना आएगा कहीं भी कैलकुलिया अगर लास्ट में आपको लगा हुआ मिल रहा है तो आपको कैलकुलेशन से जुड़ा है और कैलकुलेशन हम लोग गणित के लिए करते हैं तो गणित संबंधित विकार में उसको डालिएगा ठीक है उसका ऑप्शन किस में डालिएगा गणित संबंधित विकार में डालिएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन हो रहा है दो प्लस दो को बच्चा यहाँ पर कह दे रहा है यहाँ पर दो प्लस दो को पाँच कह दे रहा है और छः प्लस दो को बारह कह दे रहा है इसका मतलब बच्चा को चिन्ह संबंधित कठिनाई आ रहा है मैथ संबंधित कठिनाई आ रहा है तो कठिनाई कैलकुलेशन के लिए होता है गणित के लिए होता है तो कैलकुलिया में चला जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप याद रखिएगा एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है ठीक है बंगाल टेट यूपी टेट आंध्रा टेट और असम टेट सभी में प्रश्न पूछा गया है कि गणित से संबंधित प्रश्नों को त्रुटि कर रहा है यह किस प्रकार से संबंधित है गणित संबंधित गणित में क्या होता है कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन किस से जुड़ा हुआ है कैलकुलिया से जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा आपको डिसकैलकुलिया ठीक है डिस एकदम क्लियर रहिएगा यहाँ से आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट एक प्रश्न तो एकदम फिक्स है लेकिन यहां तक जहां तक हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रश्न भी आपको पूछ दे यानी दो तीन प्रश्न भी इससे आ सकते हैं तो आप सभी इसको अवश्य देख के एग्जाम में जाएंगे अधिगम विकार से एक प्रश्न हंड्रेड परसेंट आएगा ही आएगा एक चाह लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है कौन सा विकार है ठीक है बच्चा जो है किसी चीज को लिख नहीं पा रहा है कौन सा कठिनाई में जाएगा ठीक है तो देखिए आपको डिसलैक्सिया यहाँ पर ऑप्शन है तो डिसैक्सिया को तो आप समझ गए हैं लैक्सिया मतलब लक्स साबुन से जुड़ा हुआ था तो लक्स हो गया तो लैक्सिया हो गया तो लैक्सिया वाला में बच्चा क्या कर रहा था तो लक्स था और उसको लुक्स पड़ रहा था यानी ये पठन संबंधित विकार था तो लैक्सिया वाला किस में चला जाएगा पठन संबंधित विकार और यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है लिखने वाला तो ये ये तो नहीं होगा अब यहाँ पर कैलकुलिया भी हमने आपको बता दिया कैलकुलिया किससे कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन किस में गणित में कैलकुलेशन किस में गणित में तो कैलकुलेशन वाला यानी कैलकुलिया वाला चीज़ जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा गणितीय संबंधित विकार से जुड़ा होगा ठीक है यानी यहाँ पर गणित से संबंधित विकार में गणितीय संबंधित समस्याओं को हल करने से लेकिन अब बचा ग्राफिया और अफेजिया दो चीज तो देखिये यहाँ पर लिखने में जो अक्षमता है ना तो एक ग्राफ बनाइएगा एक ग्राफ और ये ग्राफ बनाने में बच्चा यहाँ पर अक्षम होता है क्या होता है ग्राफ नहीं बना पाता इसी में विकार उत्पन्न करता है तो लिखने वाली जो अक्षमता है वो ग्राफ बना करके नहीं कर पाता है तो डिस्ग्राफिया में ग्राफ को ग्राफिया में डालिएगा और ये लिखने संबंधी अक्षमता से जुड़ा हुआ होगा ठीक है अगला है एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा होता है आप एक बात देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर जो होते हैं बहुत से लोग जो अच्छे अच्छे होते हैं वो मौखिक रूप से नहीं बोल पाते हैं यानी अगर उनको खड़ा कर दिया नहीं, नहीं बोल पाते हैं यानी वो क्या कर जाते हैं फेल कर जाते हैं क्या कर जाते हैं फेल कर जाते हैं तो फेल कर जाते हैं तो फेजिया याद रखिएगा मौखिक रूप से बोलने में आप फेल हैं फेल मने फेजिया ठीक है तो वो अफेजिया से जुड़ा हुआ चीज है मौखिक रूप से भाषा सीखने की अक्षमता जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा आपका अफेजिया से जुड़ा होगा ठीक है तो यही चार चीज जो है आपको यहां पर हर बार एग्जाम में निकल के आता है आप यहां से जरूर सारे प्रश्नों को पीडीएफ को देख लीजिएगा क्योंकि विभिन्न राज्यों में पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पर कलेक्शन हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा किया गया है ठीक है जहाँ तहीं से प्रश्न नहीं दिया हुआ सिर्फ वैसे प्रश्नों का ही कलेक्शन जो आपके एग्जाम में सीधे वार करे और आपको अच्छा मार्क्स दे करके जाए तो अभी कभी आप यहाँ पर नोट्स लेकर के पढ़ना नहीं भूलेंगे धन्यवाद